कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों ने जिस तरह से काम किया है पूरी दुनिया में नाम खराब हुआ है देश का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में सुरक्षित सीट से जमुई से चुनावी आगाज किया और इस बात की सार्वजनिक चर्चा की कि एक तरफ माननीय लालू प्रसाद जी जैसे लोग थे जो रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के जमीन के लेकर के नौकरी दे रहे थे, दूसरी तरफ मंच पर बैठे हुए नीतीश कुमार जी के बारे में बोला कि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो रेल मंत्री रहे नौकरी दिए एक किसी का जमीन नहीं लिखवाया। ये राजनीति में जो डिफरेंस है, जो करप्शन के सवाल पर डिफरेंस है, उसको उन्होंने साफ साफ बताया और साथ ही साथ जो राज्य का विकास और केंद्र सरकार का सहयोग और पूरी दुनिया के अंदर में जो बिहार को उनके कहने का जो भावार्थ था कि बिहार जैसे शर्मसार होता था, आज स्थिति बदल गई और देश में परिवर्तन हुआ, बिहार में तो नीतीश कुमार जी के राज में परिवर्तन हुआ ही। उन्होंने ये भी कहा था कि 10 साल का जो काम हुआ है ये तो अभी ट्रेलर है, आगे सरकार बनेगी तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, यह तो स्वाभाविक है, चुनावी अभियान में तो लोग यही बोलेंगे ना। जिस काम को हमने 2019 में आपसे घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, 2024 में जनता के बीच जा रहे हैं, लक्ष्य है 400 से पार, तो अब तो अगले 5 वर्ष के लिए जो कार्य योजना होगी उसको पूरा करने की तो कोई भी जिम्मेवारी लेगा, यह तो बेहतर लोकतंत्र का परिचायक। नीतीश कुमार ने भी साथ में कहा कि जिस तरीके से हम लोगों ने 17 साल में काम किया, बीच में इधर उधर हो गए, क्रेडिट लेता है, गलत काम करेगा तो अलग हो जाएंगे, और साथ में कहा कि मुस्लिम वोटर से अपील करेंगे कि इधर एनडीए की तरफ वोट दीजिए, नहीं तो फिर दंगे होंगे हिंदू मुस्लिम में 2005 के पहले की तरह। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाएं 2005 के पहले नवंबर के पहले घर से नहीं निकलती थी, बेटी घर से नहीं निकलती थी। कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है, जो विकास के काम हुए उसकी चर्चा किया, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का सीधा अर्थ है कि काम की बुनियाद है सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द, तो अल्पसंख्यक समुदाय के साथियों से अपील किया कि हम लोगों ने जो काम किया है वह देश में नंबर वन है, काबिले तारीफ है, जो हम लोगों ने मुसलमानों के हित में काम किया है। तो वैसे लोग जो भागलपुर दंगे का माथे पर जिस पर कलंक का टीका था, फाइल बंद करा दिया था, संचिका बंद हो गई थी, उन आरोपियों को पकड़ करके जेल तक भी पहुंचाया न्यायिक प्रक्रिया में, और देश का पहला उदाहरण है कि भागलपुर दंगे के जो पीड़ित लोग थे उनको पेंशन ही नहीं, वो जो जमीन से बेदखल हो गए थे उनको कब्जा दिलाया। तो अल्पसंख्यक साथियों को एहसास कराया है कि भटकिएगा मत, नहीं तो भटकिएगा तो वही हिंदू मुसलमान करने वाले लोग को जगह मिलेगी। इस बार जिस तरीके से नतीजे देख रहे हैं, पप्पू यादव ने भी अलग होकर नामांकन कर लिया है, कांग्रेस से उनको टिकट मिला था लेकिन सिंबल नहीं मिल पाया है, क्या असर देख रहे हैं इंडिया अलायंस पर इसका? देखिए, इंडिया अलायंस बहुत ही दुर्दशा के दौर में है। अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, 9 सीट मिला, अब मात्र 3 उम्मीदवार घोषित किया। हालात यह है कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, नहीं तो आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस उम्मीदवार नहीं दे रहा है? और माननीय पप्पू यादव जी पूर्णिया से उन्होंने नामांकन किया, लालू प्रसाद जी से उन्होंने मुलाकात की थी, मीडिया में बातें सार्वजनिक हुई, पवन खेड़ा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके समक्ष पिता पुत्र दोनों का ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद ये अगर उनके साथ धोखा हुआ है तो यह बताना चाहिए पप्पू यादव जी को कि लालू जी ने कोई डील किया था क्या, कोई शर्त रखा था क्या, उस शर्त को पूरा करने में आप सक्षम थे क्या? इसलिए हम यह समझते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो किया, लेकिन जो डील की बात है उसको सार्वजनिक करना चाहिए।